दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी कभी किसी एक कमी की वजह से अपने आप को दूसरों से कम समझने लगते हैं, और ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हम इस दुनिया के कंपटीशन के लायक नहीं है। फ्रेंड्स, ऐसा बहुत से मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि सर, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, सर हमको राइटिंग स्किल्स नहीं है, सर हम बड़ी बुक्स नहीं पढ़ पाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी उनकी प्रॉब्लम्स हैं जिसको वो अपनी कमी समझने लगते हैं, जबकि वो कमी नहीं है, वो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं, जो कि मैंने अपने बचपन में इस स्टोरी को एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था, और इस स्टोरी ने मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस किए। मुझे काफ़ी कुछ मोटिवेशन इस स्टोरी को पढ़ करके मिला था, और आज तक इस स्टोरी को मैं फॉलो करता हूं। कभी भी यदि मुझे ऐसा महसूस होता है कि सपोज़ यदि मैं किसी चीज़ को नहीं कर पा रहा हूं, तो डैट मीन्स वो मेरी कमजोरी नहीं है, वो मेरा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, मुझे उसको सुधारना है, मुझे उसको इम्प्रूव करना है। सो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रखर गुप्ता, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीजी फार्मा ज्ञान पे। दोस्तों, तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी है जापान की। काफ़ी समय पहले एक स्टूडेंट हुआ करता था जिसका लेफ्ट हैंड नहीं था, और उसको मार्शल आर्ट सीखने का जुनून सवार हुआ, और वो अपने एरिया के एक मार्शल आर्ट टीचर या ट्रेनर के पास गया और उनको बोला कि गुरुजी, मुझे मार्शल आर्ट सीखना है। तो उस एरिया में वहाँ पर जो अदर स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, उन्होंने देखा कि इस स्टूडेंट का तो लेफ्ट हैंड नहीं है, और उन्होंने हंसना चालू कर दिया और उसकी खिल्ली उड़ाना चालू कर दिया। सोचा कि ये जिसका लेफ्ट हैंड नहीं है, ये क्या मार्शल आर्ट सीखेगा। बट जो गुरुजी थे, उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा, तुम्हारा जुनून देख करके मैं काफ़ी इंप्रेस हूँ और मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। ओके, तो उन्होंने उसको अपनी एकेडमी में एडमिशन दे दिया और उसको मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। अब हुआ क्या कि एक दिन, दो दिन, तीन दिन, ऐसे दिन गुजरते गए और गुरुजी सिर्फ उसको एक पैंतरा सिखाते थे, एक दाव सिखाते थे, बोले तुम बस इसकी प्रैक्टिस करते रहो। अब बाकी अदर स्टूडेंट्स को बहुत सारे दाव सिखाते थे, बहुत सारी टेक्निक सिखाते थे, बट इसको सिर्फ एक दाव और एक पैंतरा सिखाते रहे, तो इसको एक फीलिंग आने लगी कि शायद गुरुजी ने मेरे बोलने पर मुझे एडमिशन तो दे दिया है, बट गुरुजी खुश नहीं है और मेरे साथ पार्शियलिटी कर रहे हैं। बाकी स्टूडेंट्स को तो सब सारे दाव पैंतरे सिखाते हैं, बट मुझे सिर्फ एक ही दाव सिखाया जा रहा है। अब एक समय आया कि जब एकेडमी लेवल पे एक कंपटीशन होना था, इस कंपटीशन में उस स्टूडेंट को भी पार्टिसिपेट करवाया उसके गुरुजी ने, और जो अदर स्टूडेंट्स थे जो कि फिज़िकली काफ़ी फिट थे, उनके अगेंस्ट में इसका मुकाबला करवाया गया। और ताज्जुब की बात यह है कि यह स्टूडेंट जिसका लेफ्ट हैंड नहीं था, यह उस कॉम्पिटिशन को जीत गया। फ्रेंड्स, बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, इसके बाद एक एक करके एक एक लेवल बढ़ता गया, और वो काफ़ी बड़ा जो कंपटीशन है, लाइक मैं बोलूँगा कि बहुत बड़े स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और अपने समय के वर्ल्ड लेवल के कॉम्पिटिशन्स को उसने जीत लिया। और हर कॉम्पिटिशन को जीतने के बाद उसके मन में एक जिज्ञासा, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ते जाती थी, और वो अपने गुरुजी से आकर के पूछता था कि गुरुजी, ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या चमत्कार हो रहा है, ऐसा क्या मिरेकल है कि जिसकी वजह से मैं जीतता जा रहा हूँ, जबकि मुझे तो सिर्फ एक ही दाव, एक ही पैतरा आता है, और बाकी मेरे सामने ये सभी वर्ल्ड चैंपियंस हैं, इनको मैं कैसे हरा पा रहा हूँ। तब जो उसके गुरुजी थे, उसने उसको बोला कि देखो बेटा, जो तुम्हें मैंने जो एक टेक्निक सिखाई थी, या जो तुम्हें मैंने दाव सिखाया था, इस दाव को दुनिया में सिर्फ एक ही तरीके से काटा जा सकता है, यदि आपका प्रतिद्वंदी आपका लेफ्ट हैंड पकड़ पाए। तो बेटा, तुम्हारा तो लेफ्ट हैंड ही नहीं है। सो फ्रेंड, आई होप कि आपको इस स्टोरी से समझ में आया होगा कि कैसे इस स्टूडेंट की कमी, जो कि लेफ्ट हैंड नहीं था, उसकी ताकत बन गई थी और वो विश्व विजेता बन चुका था। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आगे यदि आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आप लोग किसी चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं, या किसी चीज़ को करने में अपने आप को असक्षम समझ रहे हैं, तो दोस्तों, आपको उसको इम्प्रूव करना है। आप उसको ये मान करके ना बैठिए कि अब ये चीज़ मुझसे नहीं होगी, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। उसमें हमेशा एक स्कोप होता है, उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी, और यदि आपको यह स्टोरी पसंद आई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।